ये जो कांग्रेस की तरफ से जो रमजान में गरीब गुरबा को जो राशन दिया जाता है उसकी किटें मौजूद हैं। यहाँ पे मिर्जा जावेद अली मौजूद हैं, उदित मौजूद भाई हैं, और यहाँ पर ये यादव साहब मौजूद हैं, और पूरा तमाम अहले इलाका सारी किटें जो अभी कुछ ही देर में जरूरतमंदों को दी जाएंगी जो हर साल रमजान में दी जाती हैं। देखिए ये जो कांग्रेस की तरफ से जो रमज़ान में हर साल जो है किट दी जाती हैं, उस सिलसिले में आप देख सकते हैं सारी किटें मौजूद हैं जो गरीब गुरबों में दी जाती है रमज़ान के हवाले से। और अभी आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मुदीत जी भी मौजूद थे, जावेद मिर्जा जावेद अली, और इन लोगों ने बजाई थी, और ये सारी किटें लगी हुई हैं। अब हम इनसे यहाँ जो ये बाहर बैठे हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो किटें हैं इनके बारे किस तरह से दी जाती हैं, ये इस बारे में ये बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है, ताकि कोई आदमी लेना चाहे तो किस तरह से रहेगा। देखिए ये जो कांग्रेस की तरफ से किटें आती हैं, इस सिलसिले में किस तरह से आप देते हैं कि किसको दी जाती है, किस किस तरह से क्या प्रोसीजर है आपका? आप पहले सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अतीकुर रहमान है, चौक सावन से। ये किटें इस तरह से दी जाती हैं कि जैसे पार्टी की तरफ से आती हैं तो उसके अंदर हम आइडिया जमा करते हैं, फिर उसके अंदर देखते हैं कि ये आदमी मुस्तहिक है या नहीं है, जैसे ज़रूरतमंद है या नहीं है। जो ज़रूरतमंद होता है हम उसको घर घर जा कर के जो है निकाल करके लाते हैं उनको, जैसे सना में ये ज़रूरतमंद है तो हम उनको फिर उनकी एक आइडिया लेकर के फिर हम उनको एक स्लिप की तरह से देते हैं, जो हमारे को सगनामे में स्लिप देते हैं, फिर हम उसके बाद आईडी देते हैं। ये हम पूरी छानबीन करके इसको जब इसको मुस्तहिक तक जो गरीब है जो इसके हकदार हैं हम हकदारों तक इसको पहुँचाते हैं। देखिए ना भाई ने कितनी अच्छी बात की है कि हम लोगों के आइडिया जमा करते हैं, हम ये जाकर देखते हैं कि जो इसके ज़रूरतमंद है जिसके हकदार हैं उसको हम घर घर जाकर पहुँचाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो किटें उन्हीं को दी जाती हैं, यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ उन लोगों के आइडिया जमा हो जो समझेंगे कि जो ज़रूरतमंद है उनके जाकर ये घर खुद घर घर पहुँचा कर आते हैं। हमारे पास अध्यक्ष संजय यादव जी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं जो सोनिया जी की तरफ से जो लोगों को रमजान में किटें दी जाती है उस सिलसिले में संजय यादव जी का क्या कहना है। हर साल रमजान के दिनों में गरीब लोगों को सोनिया जी की तरफ से 1000 किट हर साल बांटी जाती है, जो कि पिछले 20 साल से ये सिलसिला हमारा जारी है। और अब जैसे कि लॉकडाउन है और लोगों को परेशानी है, उसको देखते हुए हमने इसकी मात्रा इसकी संख्या और बढ़ा दी है, और बजाय एक दिन के हम इसको पिछले 8-10 दिन से लगातार बांट रहे हैं ताकि गरीब लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। देखिए ये संजय जी ने बताया कि हर एक लोगों के लिए दिया गया इनकी ज़रूरत के तहत दिया जाता है, खासकर रमज़ान में दिया जाता है, उन्होंने इस बात के बताया। देखिए जो कांग्रेस की किट जा रही है इसमें इलाके कौंसल कुछ पंडित जावेद अली मौजूद हैं, संजय यादव जी मौजूद हैं, गरत भर मौजूद हैं, मिर्जा जावेद अली मौजूद हैं, एल इलाका मौजूद हैं। यहाँ पर इन लोगों को जो किटें दी गई हैं इसमें इन्होंने जो कांग्रेस की तरफ से जो रमज़ान में खासकर किटें दी जाती हैं, देख सकते हैं आपने इन लोगों को दी हैं, और यहाँ पर ये सारे लोग मौजूद हैं। ये जो रमज़ान के महीने में कांग्रेस की तरफ से किटें दी जाती हैं, इस सिलसिले में यहाँ पर हमारे साथ मुदीत अग्रवाल जी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं सर इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए दिल्ली कांग्रेस पिछले 50 दिन से पूरी दिल्ली में राशन बांट रही है एवं लोगों को बना हुआ पका खाना भी दे रही है, तो इसी के संदर्भ में जावेद जी ने आज यहाँ कार्यक्रम रखा है जिसमें वो ज़रूरतमंद लोगों को राशन दे रहे हैं। साथ में हमारे संजय जी हैं, हमारे राकेश जी हैं जो कॉरपोरेशन के मेम्बर हैं, तो ये एक तरीका है कांग्रेस गरीबों से जुड़ने का, जो लोगों की मदद करने का। देखिए दिल कांग्रेस जो कांग्रेस ही है सबके दिल में दर्द है लोगों के लिए। आपने देखा होगा कांग्रेस की जो 100 से ऊपर रसोईयां चल रही हैं, वहाँ पे आप किसी भी रसोई में चले जाइए दिल्ली में पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। इसके विपरीत जो दिल्ली सरकार खाना दे रही है और जिस तरीके से दे रही है, दोनों में बहुत कमियां हैं। एक तो खाने की क्वालिटी बहुत गंदी है, दूसरा कहीं भी वो खाना दे रहे हैं स्कूल में ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी बला टाल रहे हैं, कहने का मतलब है ज़बरदस्ती से कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे, तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा।
कांग्रेस की आप किसी भी रसोई में चले जाइए, आपको हर जगह 100% जगह अच्छा और स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिलेगा, कहीं से आपको शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि हम सब कांग्रेसी दिल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ जावेद जी का नजर आ रहे हैं, ये दिल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने बड़ी अच्छी राशन की किट बनवाई हुई है जो ये रोज लोगों को दे रहे हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जावेद जी के। एक बात ये जानना चाहता, जैसे जो मजदूर तबके के लोग हैं खासकर उन्हें जाना है, अब वो बहुत परेशान है, किस तरह से जाएं, कहां से जाएं, थाने में जाते हैं तो कहते हैं इलाके के काउंसलर के पास जाइए, एमएलए के पास जाइए, पुलिस वाले कुछ बताते हैं सही तरह से, उनको जो पता नहीं चल पा रहा कि कैसे जाना, कभी कहते हैं अभी कोई ऑर्डर नहीं आया हमारे पास, और ये बराबर कह रहे हैं कि लोग जा रहे हैं। नहीं देखिए, अभी तो दिल्ली से कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ट्रेनें और बसें अभी शुरू नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने एक बीड़ा उठाया, सोनिया जी ने कहा था जो भी गरीब आदमी वापस जाना चाहता है उसके पैसे कांग्रेस देगी, तो हमने एक लिंक भी भेजा है और हेल्पलाइन सेंटर पे नंबर भी चालू किया है जिसमें लोग फ़ोन कर रहे हैं और एक लिंक के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा वो अपनी डिटेल हमें भेज रहे हैं, जो हम अपने यहाँ मतलब 10,000 लोगों ने हमारे यहाँ एप्लीकेशन दी है जो लोग जाना चाहते हैं, तो हम पूरा उसका सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि लोगों को तकलीफ ना आए, और जिस किसी को भी पैसा टिकट का देना पड़े वो कांग्रेस उसका वहन करेगी। देखिए, हमारे साथ यहाँ मिर्ज़ा जावेद अली मौजूद हैं, जो किटें बांटी जा रही हैं, मैं इनसे जानना चाहते हैं सर इस बारे में क्या कहना, जो रमज़ान में खासकर रोज़ेदारों को ये उनको दी जाती है इसके बाद। देखिए, ये सिलसिला सोनिया जी ने शुरू किया था कि रमज़ान के अंदर गरीबों तक, रोज़ेदारों तक किट जाए, जो गरीब उनके घर के अंदर रोज़ों के अंदर कम से कम आसानी रहे। आज पूरे देश के अंदर ऐसी बीमारी का फैला हुआ है कि हर घर परेशान है और सब परेशान है, तो ये आदेश हमें हुआ ऊपर से कांग्रेस की तरफ से कि आप जिस तरह का सिलसिला उसको हम टूटे लेना दें, तो हमने आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस चीज़ों का इंतज़ाम किया, और जितने भी लोग हैं चाहे कोई भी मज़हब को मानने वाले सबको हम लोग राशन दे रहे हैं। देखिए, सबको राशन दे रहे हैं, ये हमारे साथ इलाके के कोचा पंडित काउंसलर मिस्टर राकेश कुमार मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहते हैं सर ये जो रमज़ान में किटे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इस बारे में आपका क्या? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, गरीब लोग हैं और उनके उनके राशन के लिए ये किटें बांट रही है कांग्रेस पार्टी, बांट रही है और रमज़ान के महीने में बांट रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम है, इससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। जो गरीब लोग हैं, लॉकडाउन पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है, लोगों के राशन ख़त्म हो चुका है, लोगों के पैसे ख़त्म हो चुके हैं, तो लोग लोगों की डिमांड्स भी काफ़ी रहती है कि भी राशन के, जो गरीब लोग हैं तो ये गरीब लोगों के लिए राशन मुहैया हो रहा है, कांग्रेस पार्टी जगह जगह कर रही है, रसोइयाँ चला रही है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा प्रयास है कांग्रेस का गरीब लोगों के लिए जो सराहनीय है। देखिए, इन्होंने जो ये जो किटें दी जा रही हैं इस सिलसिले में यहाँ पे मोदी जी ने बताया, यहाँ के इलाके के काउंसलर राकेश कुमार जी ने बताया और यहाँ पे मिर्ज़ा जावेद अली हैं, उन्होंने बताया ये इसे के गरीब लोगों को जो कांग्रेस हर साल ये किटें देती है रमज़ान के महीने में खासकर देती है, और इस वक्त मोदी जी ने ये बताया जो दिल्ली सरकार की तरफ से खाना, वो आप देख सकते हैं कि खाना किस तरह से होता है, खाने का कोई ऐसा मसला नहीं होता। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।